चुरेंगी ग्रेनियर ग्रेन पकी ट्रेन चलो हिनावेरी बताओ मेरी इस वाली हाथ में क्या ही या के है हिनावेरी तुमने बिल्कुल सही गेस किया ही मेरी इस वाली हाथ में है कि चलो शीरे अब तुम्हारी बारी है तुम बताओ मेरी इस वाली हाथ में क्या ही बिल्कुल सही जवाब शीरे मेरे इस वाले हाथ में पाव है लेकिन ये छोटा वाला ही शिनचान देखो कौन आया है कौन आया है खजाना अरे मैं आया हूँ अच्छा मुझे लगा ने नेको दीदी आई है अबे ओए ना नेको दीदी नहीं मेरे साथ मसाओ और बोचन भी आए हैं हेलो शिनचान हेलो शिनचान इस टाइम भी तुम सब लोग मेरे घर पे क्या करने आए हो क्या तुम चोरी करने आए हो अबे ओए हम चोरी नहीं करने आए हमें एक बहुत मस्त न्यूज मिली है हमने सुना है कि ग्रैनियर ग्रैंडपा ने नया घर लिया है और उनके उस घर में एक ट्रेन भी है अरे वे हाँ और मैं सोच रहा हूँ कि ये लोग तो हमें हमेशा परेशान करते हैं तो क्यों ना आज हम उनसे बदला लें हम उनकी ट्रेन चुरा लेंगे इसमें तो बहुत ज्यादा मजा आएगा खजाना हिमवरी शीर तुम घर का ख्याल रखना तब तक हम ट्रेन को चुरा के आते हैं ओके सो लेट्स गो तो ये है उनका नया घर खजाना ये तो बहुत ज्यादा डरावना लग रहा है ना मसाओ तुम्हें हर जगह डरावनी ही लगती है चलो अंदर चलते हैं अरे इन्होंने तो ऊपर कैमरा भी लगवा के रखा है अरे ये कैमरे तो खराब होगा खजाना इनका घर भी तो इतना खराब है हाँ शायद तू सही बोल रहा शिनचान दोस्तों ये आवाज कैसी थी ये क्या ये गेट तो अपने आप बंद हो गया ओए बोचैन ये ऐसी हॉरर जगह पे ना ये सब नॉर्मल है हाँ, ये सब हमें डराने के लिए करते हैं है ना खजाना हाँ शिनचान तुमने बिल्कुल सही बोला चलो अब घर में चलते हैं इसके घर के अंदर ही उनकी ट्रेन पड़ी होगी तो वो ट्रेन लेके हम जल्दी से यहाँ से भाग जाएंगे दोस्त ये ब्रिज तो अपने आप ही ऊपर हो गया मुझे तो यहाँ पे गड़बड़ लग रही है कहीं हमने यहाँ पे आके गलती तो नहीं कर दी मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है लगता है हमें किसी ने देख लिया है अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों मैं तो कहता हूँ अब हम यहाँ से जल्दी से भाग लेते हैं मेरे होते हो तुम भाग नहीं पाओगे भैंस की तरह अरे ये बुड्ढा गेंद पे यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये मेरा ही घर तुम्हारे भैंस की तरह अबे ओए शिनचान बोचन मसाओ उठो जल्दी से खजाना हम ये कहाँ पे हैं ओए हमें उस ग्रैंडपा ने पकड़ लिया है और ग्रैनी भी यही कहीं पे होगी ये देखो यहाँ पे लॉक पिक है सबसे पहले तो इस लॉक को खोलो फिर देखते हैं क्या करना है करना क्या ही बोचे हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा हाँ यार हमें जल्दी से यहाँ से कुछ भी करके भागना होगा ये तो मुश्किल हो गई खजाना अगर हमें यहाँ से भागना ही है तो क्यों ना इनकी ट्रेन को लेके भागे मसाओ तेरा आइडिया तो बिल्कुल सही है तो चलो खजाना जल्दी से खोजते हैं कि इनकी ट्रेन है कहाँ पे शिनचान वैसे ट्रेन तो नीचे ही होनी चाहिए तो चलो नीचे जाके देखते हैं नीचे क्या पता हमें कोई सामान भी मिल जाए जिससे यहाँ पे भागने में हेल्प हो दोस्तों ये रही ट्रेन ये रोबोट क्या है ये हमारे पीछे क्यों कर रहे हैं अरे मसाओ इसको हमें टिकट दिखानी पड़ेगी तभी हम लोग ट्रेन में चढ़ पाएंगे शायद ओ ये तो गड़बड़ हो गई अरे आवाज भी हो गई ग्रैनी और ग्रैंडपा आते होंगे अरे यहाँ पे तो वेपन की पड़ी है खजाना चलो जल्दी से इसको उठा के ऊपर चलते हैं हाँ शिनचान वेपन की से हमें जल्दी से वेपन मिलेगा जिससे हम ग्रैनी और ग्रैंडपा की धुलाई कर देंगे वो भी नीचे आते ही होंगे जल्दी ऊपर चलो अरे यहाँ से ध्यान से मुझे लगता है यहाँ पे कोई है जाने से ग्रैनी को बताता हूँ कि यहाँ से बच्चे भाग गया भैंस की टांग खजाना अभी ग्रैनी और ग्रैंडपा को पता लग जाएगा कि हम लोग यहाँ से भाग गए हैं ग्रैंडपा को तो पता लग भी गया है और यहाँ पे ग्रैनी ने हमारे लिए ट्रैप भी रखा है ताकि हम इसमें फंस जाए ये कितने ज्यादा हरामी है ना दोस्तों मुझसे ज्यादा हरामी इनमें से कोई नहीं है देखना मैं इनकी कैसे धुलाई करूंगा हे दोस्तों चलो सबसे पहले वेपन निकालते हैं इनका वेपन तो पक्का ऊपर ही रखा होगा हाँ ये वाला रूम चेक करते हैं शायद इसमें वेपन हो सकता है इस वाले डिब्बे पे तो लग गई चाबी इसमें क्या है इसमें तो गुलेल है खजाना शिनचान ये गुलेल नहीं है स्लिंग शॉट है ये गुलेल ही है चलो तो इस गुलेल से हम उन दोनों की धुलाई करते हैं लेकिन इस गुलेल में हमें पहले पत्थर डालने पड़ेंगे ये रहे पत्थर जल्दी से पत्थर को उठाते हैं और इसको रिलोड करते हैं फिर हम ग्रैनी और ग्रैंडपा की धुलाई करेंगे लेकिन ध्यान से ये कहीं से भी आ सकते हैं मुझे बचाओ मेरे डैडी दो मुझे मुक्ति दो मेरे डैडी दो मुझे मुक्ति दो मुझे बचाओ अरे 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 ये कौन है ये कौन है अरे शिनचान पता नहीं ये कौन थी खजाना ये तो पक्का भूत थी अरे वो कुछ बोल रही थी
मैं तो बहुत ज्यादा डर गया था। अच्छा तो यहाँ पे हो तुम लोग, अब तो तुम लोग मैं नहीं छोड़ूंगी। ये ग्रैनी कैसी आ गई? ओए ये ग्रैनी तो बहुत ही ज्यादा स्लो है, इसको छोड़ो, इसको मारने का कुछ फायदा नहीं। सामने से ग्रैंड पर शॉट गन लेके आ रहे। भैंस की टांग तुम तो गए। ये ले बुड्ढे, अगर तेरे पास शॉट गन है तुम्हारे पास भी गुलेल है। और अब हमारे पास शॉट गन है, चलो इससे अब हम ग्रैनी को उड़ाते हैं। अरे ग्रैंड पर क्या हो गया, मैं आ रही हूँ आ रही हूँ। ग्रैनी तुम भी जाओ ग्रैंड पर के पास, बाय बाय। दोस्तों भी ऐसे पे टाइम वेस्ट करना छोड़ो, जल्दी से सामान ढूंढते हैं ताकि हम ट्रेन को ठीक करके यहाँ से भाग सके। बोचन की बात बिल्कुल सही है, अभी हमें जल्दी से अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। अरे कजामा काम बाद में करेंगे ना, अभी तो मजा नहीं लगा था। नहीं नहीं अभी हमें ट्रेन को ठीक करना है। कहाँ जा रहे हो तुम सब? अरे ग्रैनी वापस जिंदा कैसे हो गई? ये तो वापस मर जाए बुड्ढी। अरे अरे फिर से मार दिया मुझको। ये तो बड़ी जल्दी जिंदा हो गई थी कजामा। मुझे लगता है ग्रैंडपा भी जिंदा हो गया होगा, ये पक्का इस घर में कोई काला जादू करते हैं। अरे यहाँ पे कोकोनट पड़ा है, इसमें हमें कुछ मिल सकता है। उससे पहले हम ग्रैंडपा की दुलाई करते हैं कजामा। अरे यार शिनचैन तुझे ग्रैंडपा की दुलाई करने कितनी क्यों पड़ी है? चलो एक बार कर ही देते हैं। मेरी शॉटगन तो मुझे नहीं, मेरी शॉटगन। ये शॉटगन तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी बुड्ढी ग्रैंडपा। ओए इसकी शॉटगन तो काफी यूजफुल है, इसको वापस नहीं करेंगे वरना यही शॉटगन से हमें उड़ा देगा। हाँ जैसे इसने शुरू में उड़ाया था, इसने बहुत जोर से मारा था। चलो अभी हम कोकोनट को यहाँ से नीचे फेंक देते हैं, नीचे कोकोनट को काटने वाली मशीन है तो यहाँ पे हम इसको काट लेंगे और देखते हैं कोकोनट से हमें क्या मिलेगा। यहाँ पे कौआ बैठा है कजामा, और कौए के पास कोई चाबी भी पड़ी है। तो चलो इस कौए को शॉटगन से उड़ा देते हैं। हाँ चलो इस कौए की धुलाई करना भी जरूरी है, ये कौआ भी ग्रैनी और ग्रैंडपा का ही है, इसको भी धो देते हैं। हाँ ये उनकी चाबी की रक्षा कर रहा है, इस कौए की ऐसी की तैसी। चल कौए अब तेरा यहाँ पे खेल खत्म। ये ट्रेन क्यों को उठा लो। हाँ, मेरी शॉटगन कहाँ पे गई? ओह नो ये शॉटगन तो उस नाले में गिर गई। अरे यार कजामा तुम्हारी वजह से हमारी शॉटगन नीचे गिर गई। ओए मसाओ मुझे लगता है ये शॉटगन वापस ग्रैंडपा वहाँ से निकाल लेगा। तो चलो जल्दी से अपने गुलेल को लेके आते हैं, हमें एक वेपन तो चाहिए होगा प्रोटेक्शन के लिए। हाँ शिनचैन तुमने बिल्कुल सही बोला, ये जल्दी से गुलेल को उठाओ, इससे हम ग्रैनी और ग्रैंडपा की धुलाई कर देते हैं, फिर वो हमें वापस नहीं मारेंगे। अब तक तो ग्रैंडपा ने शॉटगन नाले से निकाल भी ली होगी। तो चलो ग्रैंडपा को मारते हैं। आज तो इनको नहीं छोड़ूंगा भैंस के नांग, पीछे तो देखो। पीछे आ गया ग्रैंडपा, ये ले। आगे ग्रैंडपा मैं आ गई। ये ले तू भी बुढ़िया। इनकी तो फिर से हमने धुलाई कर दी। कजामा इसकी जल्दी से शॉटगन ले लो। हाँ अब ये बुड्ढे को वापिस शॉटगन नहीं देंगे हम। ये शॉटगन तो हमारे पास ही रहेगी। कजामा वो रहा है हमारे कोकोनट, चलो उससे भी देखते हैं कि क्या मिलता है। काश इस कोकोनट में हमें कोई यूजफुल मिल जाए जिससे हम ट्रेन को ठीक कर सके, या फिर उस ट्रेन की टिकट मिल जाए। लेकिन बोचन टिकट तो हमें खुद ही खरीदनी पड़ेगी पैसों से। हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। अरे इसमें तो पैसे हैं, ये देखो यहाँ पे कॉइन है। इस कॉइन से हमें टिकट तो मिल ही जाएगी ना कजामा। हाँ शिनचैन मिल जाएगी। शिनचैन बड़वा शॉटगन दे देना प्लीज। ग्रैनी ये लो तुम शॉटगन की गोली ले लो। कतारी कर बे शिनचैन बड़वा। ग्रैनी कैसी लगी हमारी गद्दारी? बांस के टांग मैं दिखाता हूँ गद्दारी, मेरी शॉटगन फिर से मुझ पे चला दे बांस की टांग। पहले तो इस ग्रैंडपा की टांग तोड़ो, उसके बाद इसकी बांस की टांग ही टूटेगी। ये हमेशा बैंस की टांग करता रहता है, आता जाता है इसको कुछ नहीं। दोस्तों मुझे प्लैंक मिला है, चलो इसको ऊपर जाके यूज करते हैं। हाँ यार इस ग्रैनी और ग्रैंडपा के साथ बहुत मस्ती कर ली, अब हमें जल्दी से काम करना है। वैसे तो हमें बहुत सारा सामान मिल चुका है ना दोस्तों। हाँ शिनचैन। और ये हमें लास्ट चीज भी मिल गई, एक्सेलरेटर। अब हमें ये सारा सामान बस नीचे लेके जाना है ना, उसके बाद हम इसको ट्रेन में लगाएंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। कजामा तब नीचे जल्दी से चलते हैं सामान को लेके, बस वो ग्रैनी और ग्रैंडपा से बच के रहना। और उस भूतनी से भी, वो छोटी चुड़ैल पता नहीं कहाँ से आ जाती है। हाँ यार उस छोटी चुड़ैल से मुझे भी बहुत डर लगता है, वो एकदम से आते और डरा के चले जाती है। कजामा ये एक्सेलरेटर कहाँ पे लगेगा? शिनचैन ये ट्रेन के अंदर लगेगा, लेकिन ट्रेन के अंदर जाने के लिए हमें टिकट चाहिए होगी। तो सबसे पहले हम टिकट ही खरीदते हैं, वो कॉइन लेके आते हैं। मसाओ ट्रेन की भी चाहिए, तो अभी ट्रेन की भी लेके आनी पड़ेगी हमें जल्दी से। तो चलो अभी हम जल्दी से ट्रेन की लेके आते हैं, उसके बाद जल्दी से टिकट भी खरीद लेंगे। बिल्कुल सही बोला। चलो दोस्तों अब ट्रेन की हमारी यही भी पड़ी थी, हमने यहाँ पे फेंकी थी, कहाँ गई ये रही। चलो इसको उठा लो
और जल्दी से नीचे लेके चलो। दोस्त हमें क्लीवर को भी ढूंढना है क्योंकि नीचे क्लीवर भी लगेगा। अरे मसाओ मुझे पता है, लीवर मैंने यही कहीं आसपास देखा था। शॉटगन तो मिल गई, अब इन बच्चों का ढूंढना है। ये ग्रैंड पति शॉटगन लेके घूम रहे हैं, इससे बचकर रहना पड़ेगा वरना जी हमें उड़ा ही देगा। चलो इस ट्रेन की को यहाँ पे फेंक देते हैं और जल्दी से वो कॉइन लेके आते हैं जिससे टिकट बाय कर लेंगे। दोस्त लेकिन मुझे लगता है कि अब ग्रेनेड ग्रैंडपा को पता होगा कि हम यहाँ पे हैं, तो हमें सबसे पहले उनको अपने गुलेल से मार देना चाहिए। हम उनकी धुलाई करेंगे। ओह नो, हम तो ग्रैनी के ट्रैप में फंस गए। जल्दी यहाँ से भागो, वो आते ही होंगे। हमारी गुलेल नीचे पड़ी है बच्चे, चलो जल्दी से नीचे से गुलेल उठाते हैं। मिल गई गुलेल। और मैं भी आ गई, अब तो मैं नहीं चढ़ूंगी। अरे फिर से सर फोड़ डाला मेरा। ग्रैनी को तो दिन में तारे दिखा दिए, लेकिन हिंचन यहाँ पे तो रात हो रही है, मसाला तो रात में तारे दिखा दिए। अब ये बुड्ढा कहाँ चला गया? अरे यार हम फिर से ग्रैनी के ट्रैप में फंस गए, इसने कितने सारे ट्रैप्स लगा रखे हैं। अभी फंसे ना ट्रैप में भैंस किटा, अब नहीं छोड़ूंगा। ग्रैंडपा देखो हमारे पास भी गुलेल है। भैंस किटा फिर से गब्बा नहीं कर पाए। चलो अब जल्दी से कॉइन लेके चलते हैं, अभी हम यहाँ पे और वेट नहीं कर सकते, हमने ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है। अब तो इनकी ट्रेन लेके हम भाग ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए अब हम इनकी पकड़ में नहीं आने वाले। अब तो हमने इनकी इतनी धुलाई कर दी है, अब तो ये हमारे पीछे आएंगे भी नहीं। शिनचैन अभी हमारे पास कॉइन है तो जल्दी से ऐसे टिकट बाय कर लेते हैं। ये हमने डाला कॉइन और हमारी टिकट हमें दो, लेट्स गो। अभी हमें फाइनली हमारी टिकट मिल चुकी है, अब हमें ऊपर से बस लीवर लेके आना है। खजाना मैंने देखा था, ऊपर वाले ड्रॉर में लीवर पड़ा था, तो जल्दी से उसको उठा लेते हैं। हाँ और वो लीवर लेके जल्दी नीचे चलते हैं। दोस्तों उधर ग्रैनी और ग्रैंडपा है। खजाना मैंने यहाँ पे लिफ्ट देखी थी, तो ये लिफ्ट से हम जल्दी से नीचे चलते हैं। हाँ चलो मसाल, अच्छा हुआ तुमने इस लिफ्ट को याद करवा दिया, हमने तो इसको यूज ही नहीं किया। शिनचैन हमें जरूरत ही नहीं पड़ी लिफ्ट को यूज करने की। अब हमारा सारा सामान तो हो ही चुका है, तो अब जल्दी से चलते हैं नीचे और इस लीवर को लगा देते हैं। जब हम इनकी ट्रेन चुरा के भागेंगे तो ये तो रोते ही रह जाएंगे, है ना खजाना? हाँ शिनचैन, ये क्या हमारी टिकट चेक करने आ गया? ये चलो इसने एक टिकट तो ले ली, अब हम आराम से ट्रेन के अंदर जा सकते हैं। ये हमने लीवर को भी ऊपर कर दिया, अब चलते हैं हम जल्दी से ट्रेन के अंदर और इस एक्सेलरेटर को लगाते हैं। इसको मैं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा। हाँ ठीक है शिनचैन, लगा ले, यहाँ पे लगेगा ये एक्सेलरेटर। ओके खजाना, ये मैंने लगा दिया। अब बस ट्रेन की क्या जरूरत है, यहाँ पे ही पड़ी थी। ये रही ट्रेन की, ये मैंने उठाई और इसको लगाते हैं यहाँ पे। इस गेट को पहले बंद कर लो। और अब चलो चले। आए हम पिछले गेट तो क्लोज करना भूल ही गए। खजाना तुम कितने ज्यादा आलसी हो। ओए मुझे क्या पता था, मैंने कभी ट्रेन चलाई थोड़ी ना है। चलो मैंने डोर क्लोज कर दिए, अब चलते हैं आगे। इस वाले डोर को भी क्लोज करो और अभी एक्सीलेटर को खींच दो। यस हमारी ट्रेन चल पड़ी। ओए बल्ले बल्ले, लेट्स गो। अब हम ग्रैनी और ग्रैंडपा की ट्रेन को चुरा के यहाँ से भाग लेते हैं। बाय बाय ग्रैनी और ग्रैंडपा, फिर कभी नहीं मिलेंगे। ग्रैंडपा मैं तो फिर से लुट गई, पर बांध हो गई। बस के टांग ग्रैनी जी, जब यहाँ पे वापस आएगा तो मैं इसका बदला जरूर लूंगा। मुझे बचाओ, मेरे डैडी दो, मुझे मुक्ति दो।